हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बताने वाले हैं कि मोबाइल को फास्ट चार्ज कैसे करें। जब नया जब हम खरीदते हैं तब तो सही होती है चार्जिंग, थोड़ा फास्ट होती है, बाद में जो है कुछ दिन के बाद जो है थोड़ा चार्ज जो है उसका मोबाइल का थोड़ा स्लो हो जाता है, जल्दी से जो है चार्ज नहीं होता है मोबाइल का। ओके, तो आज हम लेके हैं कुछ कमाल की जो है सेटिंग। अगर आप सेटिंग को ऑन कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर तो आई एम श्योर आपका मोबाइल जो है पहले से जो है कई गुना जल्दी जो है आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग के अंदर। ठीक है, मोबाइल की सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। अगर आप कोई सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा अबाउट फोन, उसको ओपन कर लेना है। अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल तो आपको ढूंढ लेना है अबाउट फोन कहाँ है। तो हमारे मोबाइल में अबाउट फोन सिस्टम के अंदर है, सिस्टम में जाएंगे, फिर यहाँ सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है अबाउट फोन, इसको ओपन कर लेना है। इसे इसको जब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी बिल्ड नंबर की, देखिए लिखा हुआ है बिल्ड नंबर। इस बिल्ड नंबर के ऊपर आपको जो है अपने उंगली से जो है 7 से 8 बार इस पर जो है अपने जल्दी जो है टाइप कर देना है। ठीक है, इस तरह से जल्दी मारना है इसे। फिर जो है यहाँ पर एक नया ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जिसका नाम होगा डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमारे में जो पहले से इनेबल है, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है डेवलपर ऑप्शन, इसको जो है ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद थोड़ा जाएंगे नीचे और यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक सेटिंग, इसको जो है आपको चेंज कर देना है। ठीक है, थोड़ा और जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये लिखा है स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, तो इसको हटा के आपको क्लिक कर देना है नो बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर, ऐसे इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड में रनिंग करती है ना, वो जो है रनिंग करना जो है बंद कर देंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका मोबाइल जो है थोड़ा फास्ट जो है चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जब भी आप चार्ज पे लगाएं ये जो इंटरनेट डाटा है ना, इसको जो आपको बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद सिंपल जो आपको मोबाइल लॉक करके आप चार्जिंग पे छोड़ दें, आपको मोबाइल में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर उसके बाद आपका मोबाइल जो जल्दी जो है फास्ट जो है चार्ज हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को जरूर दबा देना एक बार।